तो बिग बॉस 14 के घर में एक बार फिर से पारस की घिनौनी हरकत सामने आई, जो अपनी लैंग्वेज पे वो विदाउट कंट्रोल किए सब कुछ बोलता है और दूसरों को बुरा भला कहता है और खुद बड़ा साफगार बनने की कोशिश करता है। ऐसे में उसने पहले पवित्र पुनिया को भी गलत कहा था, उसके बाद आकांक्षा पुरी को लेकर भी उसने बहुत गलत स्टेटमेंट दिए, जबकि विंदु दारा सिंह, राहुल वैद्या, अली गोनी, जैस्मिन भसीन, रुबीना दिलेक, इन सबका कहना होता कि आकांक्षा पुरी एज अ स्वीट गर्ल, मगर ये पारस छबड़ा इतना बुरा भला कहता हुआ नजर आता। अब इसका ये सब कहना है कि आसिम आसिम शहनाज रश्मि, इन सब तीनों को मैंने फुटेज दिए स्टार्टिंग में, मुझसे सिंपति लेते थे ये सब, स्टार्टिंग में इन्होंने मुझसे सिंपति लिए, खास तौर से शहनाज गिल ने मुझसे सिंपति लिए पहले, और रश्मि भी कभी कभी ले लिया करती थी। और उसकी बात करें आसिम की, तो वो तो एक नंबर का नल्ला इंसान है, वो तो हमेशा मुझसे सिंपति लेता था, यानी कि मेरी वजह से ही वो दिखता था, ऐसा कहना है भैया, ऐसा कहना था पारस जबड़े का। जी हाँ, और जबकि सिद्धार्थ की आसिम के साथ में दोस्ती रही, दोनों ने अच्छी अपनी दोस्ती निभाई, एक दूसरे से बॉन्डिंग की, हालांकि बाद में हमें लड़ाई झगड़े देखने को मिले, वो तो एक बात अलग थी, मगर स्टार्टिंग में हमें जो दोस्ती वाला रिश्ता इन दोनों के बीच में देखने को मिला था, सिद्धार्थ एंड आसिम के बीच में, वो एक अलग ही बॉन्ड था, तो उसमें पारस का कनेक्शन तो कोई था ही नहीं। तो पारस फिर क्यों बिग बॉस के घर में ऐसी हरकतें करता हुआ नजर आया, इतनी नेगेटिव क्यों बोलता है यार ये शख्स, ये इंसान है नल्ला, ये इंसान है नेगेटिव, मैं सच बता रहा हूं आपको, इतना ज्यादा नेगेटिव बोलना दूसरे के बारे में, अरे भाई कुछ अच्छे कर्म करके खा लो यार, ऐसा क्या करना तुम दूसरों को बुरा भला कहकर, दूसरों को तुम गलत कहकर, अब किस किस से पिट रहा है यार ये, किस किस से पिट रहा है, ये पहले शनास के फैन से पिटा, सिद्धार्थ के फैन से पिटा है, उसके बाद से सारे सिडनाजियस ने इसको पीटा, और फिर अब उसके बाद से आसिम के फैंस इसको पीट रहे हैं, और अब रश्मि के फैन से पंगा ले रही है, रश्मि के फैन से पिटेगा, तो भाई कहीं का तो यार, कहीं तो अपनी इज्जत बचा ले भाई, इतना बुरा भला कहना। आसिम को साफ साफ इसने साफ बोला, साफ नल्ला इंसान, वो नल्ला सिंपति लेता था, शहनाज ने मुझसे सिंपति ली, इस वजह से उसने दिखना शुरू करा, वाह जी वाह बहुत बढ़िया, रश्मि देसाई वो भी कभी कभी सिंपति ले लिया करती थी, हाँ वो वाला सीन। भाई दावे क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, भाई मेरा तो इसकी बातें कुछ पल्ले नहीं पड़ रही हैं, प्यार से कमेंट करके मुझे बताइए, लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपडेट्स लगातार आपसे शेयर की जा रही हैं।